हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिएटिव अश्विनी। आज मैं आपके साथ एक डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ जो हम लोग साड़ी का यूज करके बनाने वाले हैं। इसके लिए आपको स्टिचिंग में ट्रेन होने की या मास्टर होने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही इजी डीआईवाई है जो आप ट्राई कर सकते हैं। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे मैंने साड़ी को मेजरमेंट के हिसाब से कट कर लिया है और इसे फोर फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें जो भी पैंट हमारे मेजरमेंट का हो उसे सिर्फ यहाँ पे ट्रेस करना है। अगर आपको स्टिचिंग नहीं भी आती है तो आप फिर भी ये ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ हमें यहाँ पे क्रोच लाइन जो है हमें फोल्डिंग पार्ट पे यहाँ पे रखना है। अब हमें यहाँ पे क्रोच लाइन से एज इट इज मार्क कर लेना है। और जो दूसरा साइड है इसे सिर्फ हमें जो मेजरमेंट हमारा होगा उसे डबल साइज में हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। और हमें इसे वेस्ट लाइन से थोड़ा और ऊपर तक लेके 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेके हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। अब हम लोग हमारी पैंट को हटा लेंगे और जहां से हमने मार्किंग किया था वहां से इसे कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ से क्रोच लाइन से इसे स्टिच कर लेना है और जो साइड वाला पोर्शन है उसे सिर्फ हमें फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे क्रोच लाइन तक इसे स्टिच कर लिया है और ये जो साइड वाला पोर्शन है इसे भी मैं फोल्ड करके स्टिच कर लूंगी। हम लोग ये साइड वाला पोर्शन ओपन रखने वाले हैं, इसीलिए ये साइड से धागे ना निकले इसीलिए मैं यहाँ पे एक फोल्ड करके स्टिच दे रही हूँ। अब ये क्रोच लाइन तक स्टिच हो गया है, साइड से भी हमारे क्लोथ पे फोल्ड हो गई है। अब जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसे यहाँ पे फोल्ड करके हम लोग इसमें लेस लगाने के लिए इसे फोल्ड करके हम लोग स्टिच कर लेंगे। दोनों क्लोथ के वेस्ट लाइन में हमें इसे फोल्ड करके नाड़ा डालने के लिए हमें एक पाइप जैसा बना लेना है और उसके बाद में यहां से जो नीचे वाला पोर्शन है क्रोच लाइन के नीचे से हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। ये यहां से स्टिच हो गया है, हमने साइड से भी इसे फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। और वेस्ट लाइन पे नाड़ा डालने के लिए मैंने यहां पे फोल्ड भी कर लिया है। अब इसमें लेस डाल लेनी है।
दोनों साइड में मैंने लेस डाल ली है और अभी ये बनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। साइड वाला पोर्शन ओपन ही रहेगा। अब इसे पहनना कैसे है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे जो फ्रंट वाला पोर्शन है हमें इसे इस लेस से पहले नॉट कर लेना है और जो बचा हुआ पोर्शन है उसे बैक साइड में लेके हमें फ्रंट साइड में इसे नॉट कर लेना है और इसे अच्छे से टक कर लेना है अंदर की साइड में। ये जो इसका एक पार्ट है वो अंदर की साइड में जाएगा, दूसरा पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप होगा। अगर आपको ये स्लीट ज़्यादा बड़ी लग रही है आप इसे नी लेंथ तक भी स्टिच कर सकते हैं या फिर नी लेंथ तक का शॉर्ट्स पहन के उसके ऊपर भी आप इसे वेयर कर सकते हैं। ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देगा। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।